आजकल का प्यार चंद घड़ी का होता है। चंद पल की खुशियों के लिए लोग ना जाने कितनों को गमजदा करके चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बहराइच जिले के फकरपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक युवा जोड़ा घर वालों को हैरान परेशान करके छोड़कर चला गया। घर से फरार होने और भागने का तरीका बिल्कुल नया और अनोखा था। घर से शौच के बहाने निकली युवती अपने प्रेमी संग मिलकर भागने की साजिश रच डाली और माँ बाप को इसकी भनक भी न लगी। हंगामा तो तब खड़ा हो गया जब शौच के लिए गई युवती घर वापस नहीं आई और परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। लड़की कहाँ गई? काफी मशक्कत के बाद जब ये पता चला कि सबलू नामक युवक नगमा को लेकर फरार हो गया है, इसके बाद परिजनों ने तुरंत थाने को सूचना दी। लेकिन पुलिस एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में ही दिखी और पीड़ित परिवार वालों को ही पुलिस ने गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी और पूरा पुलिस महकमा सबलू की तरफ हो गया। जब परिजनों ने दबाव बनाना शुरू किया, तब जाकर दबाव में आकर फकरपुर थाना अध्यक्ष ने FIR दर्ज की। लेकिन पुलिस लगातार लापरवाही बरत रही है। 31 मई को फरार हुई लड़की आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसके विषय में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया। उधर लड़के के परिवार वाले लगातार लड़की के परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। ऐसे आरोप लड़की के परिजनों ने लगाए हैं। लड़की गायब है, 31 तारीख के वही लगभग वही 3:30 और 4 बजे के बीच में हम उठे, सुबह नमाज पढ़े तो देखे घर में हमारी लड़की नहीं है। तब बाहर निकल के देखें तो बाहर मकान के सामने खरंजा है रोड, तो ऊपर जो है तो एक चप्पल एक पाँव की और मोबाइल पड़ा रहा है। तब जो है इधर हमका शक है कि वो लड़के जो है लड़का बकरीदी का लड़का लेके गवा है, लेकिन हमें शक है जब हम वहाँ जो है दरखास्त दिए हैं तो वहाँ कहें 2 दिन का टेम लिहन उसका बंद करावा उसके बाप का बकरीदी का छोड़ दिहन उसके गांव के प्रधान आए छोड़ाए ले गया। फिर गए जब 2 दिन का टेम लिहन गए फिर तो वहाँ फिर ना हम रोज वहाँ तीसरे दिन दौड़ी थे। लड़की की क्या उम्र है? लड़की की हुई है 15-16 साल की उम्र। नाबालिग है? किस थाने का मामला है? पखरपुर। आप लोग थाने गए वहाँ पर क्या हुआ? हाँ थाने दौड़ ही लगाए हैं तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है, दौड़ दौड़ के जाये थे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।